डिसिप्लिन में, टाइम मैनेजमेंट में कल्चर्ड और मैनर्ड रहते हो, रियल डिसिप्लिन लाइफ का वही है तुम्हारा, और वही तुम्हारे करियर को किसी मुकाम तक लेकर जाता है। टेंथ तक मॉनिटरिंग टीचर का भी होता है, गार्जियन का भी होता है, एक साथ दो तुम्हारा लॉक यहाँ से अनलॉक हो जाता है। प्लस टू के लिए किसी कोचिंग में जाओगे, किसी बाहर कॉलेज में जाओगे, तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ नहीं होंगे। आज के जो तुम्हारे टीचर तुम्हारी शो कॉज करते हैं और तुम्हारा खबर रखते हैं, ये खबर रखने वाला भी अब कोई नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बनती है कि तुम अपना मोनिटर, अपने लाइफ गेम का एम्पायर अगर खुद बना और उसका असेसमेंट करने की एबिलिटी डेवलप किया, अपना टाइम मैनेजमेंट, टाइम स्किल का अगर डेवलप किया, तो तुम्हारा करियर तुम जहाँ चाहोगे वहाँ लेकर जा सकते हो, या किसी सफलता के शिखर पर जाओ, या विफलता और विध्वंसात्मकता के प्रकाष्ठा में जाओ। दोनों ही प्रकाष्ठा तुम्हारे सामने है, तुम्हारी च्वाइस पे डिपेंड करता है तुमको किधर जाना। तो इस बात को आज ध्यान में रखो, एकेडमिक्स इनरिचमेंट या पोटेंशियल लाइफ में बेहतर करने के लिए बहुत वाइटल फैक्टर तो है, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं, इसका रोल है तुम्हारे लाइफ को किसी अच्छे मुकाम पर ले जाने के लिए, और एक बोनाफाइड सिटीजन किसी भी कंट्री के और समाज के बनने के लिए, या मैन ऑफ कैरेक्टर बनने के लिए बहुत बड़ा स्कॉलर होने की कतई जरूरत नहीं। कोई भी बच्चा अगर दीनहीन अपने मन में रखता हो हीनता की भाव कि मैं पढ़ने में दुर्बल हूँ, तो उसकी ये भ्रांति है। बहुत अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे को बर्बाद होते और निकम्मा बनते हमने देखा है। अब बहुत एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे को भी बड़ी बुलंदी पर जाते देखा है। तो ये बुलंदी पर जाने का जो दो महत्वपूर्ण बात हमने बताया, तुम्हारे अंदर का सेल्फ डिसिप्लिन, कल्चर, मैनर, तुम्हारा संस्कार, ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है तुमको कुछ भी बनने के लिए। अगर मैन ऑफ कैरेक्टर है तो एक फौज का अदना सा ड्राइवर अन्ना हजारे भी देश के पूरे पार्लियामेंट को झुकाने का हैसियत रखता है, और नहीं तो वो आनंद जैसा डीएम भी जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में सड़ के कैंसर से पीड़ित होकर मर जाता है फ्रस्ट्रेशन में। तो दोनों बातें हैं, बहुत स्कॉलर होना लाइफ के, बहुत लाइफ का मतलब एक महानतम प्रकाष्ठा में जाने के लिए कतई जरूरी नहीं कि तुम कितने बड़ा स्कॉलर, मध्यम वर्गीय हो बहुत अच्छी बात है, तुम जो चाहोगे कर सकते हो। तो इस बात का ख्याल रखो कि आने वाला जो टेन्योर है तुम्हारा, अब जो एक नया ऐसे भी माना गया है टेंथ फाउंडेशन है तुम्हारे फर्दर करियर का, तुम्हारे आगे के जीवन का, ये फाउंडेशन चाहे जितना अच्छा भला बुरा बना लिए हो बना है, इस पर बेहतर इमारत गढ़ना अभी भी तुम्हारे हाथ में। ये फाउंडेशन ही तो है, बिल्डिंग तो नहीं ना बनाया जी, बिल्डिंग से मतलब तुम्हारी करियर की बिल्डिंग तो अभी नहीं बनी है ना। फाउंडेशन में चाहे जो त्रुटि हो गई हो, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ भी उस पर ढांचा खड़ा करोगे तो वो सही रहेगा, बशर्ते तुम्हारे लाइफ में कल्चर, मैनर, डिसिप्लिन सारी चीज़ें हों। तो इन चीज़ों की मॉनिटरिंग दो लेवल पे अब तक तुम्हारे साथ था, दोनों ही लेवल पे अब समाप्त हो जाएगा। दो तीन चार महीने में परीक्षा और रिजल्ट की बातें हो जाएगी, तुम कहीं बाहर जाओगे कोई देखने वाला नहीं। अब तुमको अपना लाइफ, अपना कैरियर खुद संभालना है। रह गई बात जब जागा तभी सवेरा, पढ़ाई में किसी को कमी का एहसास हो अगर चाहे उसको कंपनसेशनल परफॉर्मेंस दे करके अपना रीगेन कर सकते, इसकी रीगेन की जा सकती है, कैरेक्टर का, डिसिप्लिन का, इस सब अगर लॉस हो जाए तो उसका रीगेन नहीं संभव है। तो एकेडमिक्स अगर लॉस या असेसमेंट किसी को लगता है कि हमारी ये कमी रह गई, तो आगे आने वाला जो भी चॉइस के हिसाब से जो कैरिकुलम तुम एडॉप्ट करेगा उसमें भी जाके पीछे भी पलट के तुम उसको कंपनसेट कर सकते हो। चाहे तुम आगे जो पढ़ो, लेकिन कोई कैरियर की बात आएगी तो तुम्हें
हैं 6 से 10 तक की ऑल सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस जो आज तक थी आने वाले भविष्य में भी उससे ज़्यादा बन जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। तुमको इंजीनियरिंग करना हो, मेडिकल में जाना हो, शायद इसकी बहुत इम्पोर्टेंस ना रह जाए। बात बाकी दुनिया की किसी भी करियर को अडॉप्ट करना चाहोगे, एक MDC UDC भी कम्प्लीट करना चाहोगे, तो उस दिन तुमको जो अब 10th तक की पढ़ाई जो कचरा छोड़ रखा होगा वही तुम्हारा पैर आगे खींचेगा, इस बात का भी ध्यान रखना। जो भी कैरिकुलम अडॉप्ट करेगा आगे के आने वाले समय में, पीछे के 6 से 10 तक के ऑल सब्जेक्ट्स का पोटेंशियल बैकअप की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जब भी टाइम मिले, गैप मिले, तो अपने कॉम्पनसेशनल परफॉर्मेंस में इस कैरिकुलम को जरूर ध्यान में रखो। दूसरी बात, किसी के दबाव में, किसी के कहने से कोई कैरिकुलम एडॉप्ट करते हो तो मनचाहा रिजल्ट तुम नहीं पाएगा, इस बात को भी ध्यान में रखो। अपने अंदर का आत्मविश्वास अगर कहता है कि मैं यह पढ़ के बहुत अच्छा करूँगा, तो गार्जियन को समझाओ, काउंसलिंग करो, उस लेवल में हो कि मेरी च्वाइस, मेरी जो क्षमता है उसमें हमको यही पढ़ना जरूरी है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की बलि देवी पे भेंट चढ़ने, देखा देखी समाज की भाग दौड़ में, अंधी दौड़ में मत दौड़ना। और गार्जियन को भी समझाना, मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रयास में समय बर्बाद करने से बेहतर तो किसी बैंक का क्लर्क और CEO का क्वालिफाई कर जाना, यही साधारण बात है। तो ये लाइवलीहुड और करियर की बात होगी, उसमें अपनी पोटेंशियल को देखो, देन असेसमेंट करो और च्वाइस अडॉप्ट करो कि हमको क्या करना। सबसे महत्वपूर्ण बात है जीवन में आने वाला भविष्य, जीवन तुम्हारा, तुम्हारे अपने हाथ में आज से जा रहा है। आज से मतलब आने वाले 2-3-4 महीने में पूर्ण रूप में तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, वंस इन 24 आवर या डेली लाइफ में एक बार अपना कैलकुलेशन, टाइम मैनेजमेंट, अपना प्रोफाइल वेरीफाई नहीं करते हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। और आफ्टर 10th रिजल्ट आएगा तो आपका विद्यालय +2 है। हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के एडमिशन और इनरोलमेंट समय से कराने या प्रायर कन्फर्मेशन में हम लोग विशेष रिपेट करें। और आने वाला करियर बहुत अच्छा हो, आने वाला समय आपका मंगलमय हो, जिसमें से 10-20-50 बच्चे ऐसे जरूर जाएं जो आनंद प्रेम का भविष्य में नाम हो। कुछ ऐसा करियर करो, ऐसा नाम करो, तुम्हारे शिक्षक का, हम लोगों का भी कल्याण हो जाए, तुम्हारे गार्जियन का तो कल्याण होगा ही, तुम्हारा भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, ये दिमाग में रखना। बिला सिखवा गार्जियन से, विद्यालय से, व्यवस्थाओं से, समाज से कतई मत रखो। अपने अंतरात्मा में झांकोगी तो तमाम समस्याएं तुम्हारे अंदर ही सन्निहित है, उसकी समाधान भी तुम्हारे अंदर ही है। कोई भी एक्सटर्नल चीज़ अगर तुमको दुष्प्रभावित करता है या दुष्प्रभावित करता है तो ये समझना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे व्यक्तित्व में बहुत बड़ा हॉलोनेस है। उस हॉलोनेस को, उस गैप को कैसे अपने विजडम को डेवलप करके ब्रिजअप करोगे, दैट्स ऑल डिपेंड्स अपन योर कैपेबिलिटी एंड योर मेरिट। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, शुभ हो, रिजल्ट बेहतर हो। लॉकडाउन के बावजूद हमारी मंगल कामना है। अभी समय अभाव में हम नहीं रहेंगे, 2 घंटे बाद अच्छे मिष्ठान आएंगे, आपके शिक्षक लोग जो मेहनत किए हैं वही लोग खिलाएंगे, और तुम लोग रिजल्ट लेके आना। अच्छा, हम लोगों को भी मिष्ठान खिला देगा, हम लोग रखते हैं कि अच्छा रिजल्ट आएगा तो लाएगा जी। चलिए, तब तो बुलंदी है बात।